नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। जिला बिलासपुर के घुमारवी में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय पादप बोर्ड एवं आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत राज्य औषधीय पादप बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान से आजादी के अमृत महोत्सव पर आयुष आपके द्वारा कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर आनंदी शैली ने की, जबकि उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। जिला बिलासपुर के औषधीय पादप बोर्ड के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी वैद्य अभिषेक ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जिले के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए 70 किसानों को निःशुल्क औषधीय पौधों का रोपण हेतु वितरित किए गए। हर एक किसान को 5 वृक्षनुमा औषधि पौधे एवं 20 छोटे छोटे हर्ब स्वरूप औषधीय पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। वैद्य अभिषेक ठाकुर ने विस्तार पूर्वक मीडिया को बताया कि आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत औषधीय पादप बोर्ड के किसानों के हित में बेहतरीन योजना है और वह योजना औषधीय पौधे की खेती के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य है। इसके लिए विभाग निरंतर प्रयत्नशील है और जिला बिलासपुर में किसानों को समय समय पर सूक्ष्म स्तर पर या बड़े स्तर पर कैंप का आयोजन करके इस बारे में प्रेरित किया जा रहा है और विभाग की औषधीय पौधों से संबंधित योजनाएं पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला बिलासपुर के लिए औषधीय पौधों की खेती की योजना में अश्वगंधा, शतावरी, सर्पगंधा, मूसली, तुलसी औषधि पौधों का योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिस पर विभाग शुरुआती प्रोत्साहन के तौर पर अनुदान का भी प्रदान कर रहा है और किसानों को समूह के माध्यम से इस खेती को करने के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार हर संभव मदद कर रहा है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए उपायुक्त बिलासपुर ने बताया कि औषधीय पौधों की खेती भविष्य में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसानों को इस खेती के तौर पर अपनाना चाहिए, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, अपने आसपास भरपूर मात्रा में स्वास्थ्य की दृष्टि से औषधि पौधे भी विशुद्ध रूप से उपलब्ध हो पाएंगे। उन्होंने औषधि पौधों की खेती पर बल दिया। इस कार्यक्रम में आयुर्वेदिक विभाग के उपमंडल आयुक्त डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर विकास, डॉक्टर मोनिका आदि सभी उपस्थित रहे। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव पर हमारे आयुष विभाग भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से औषधीय पादप बोर्ड के अंतर्गत जो है वो आज यहाँ पे घुमारवी के प्रांचल रेस्ट हाउस में हमने जो है वो लगभग 60 किसानों को औषधीय पौधों की खेती हेतु जो है वो पौध वितरण का कार्यक्रम रखा था, जो कि अभी चल रहा है। इस कार्यक्रम में जो थे वो माननीय मुख्य अतिथि हमारे जिलाधीश ने शिरकत की, बतौर मुख्य अतिथि SDM साहिबान भी थे। तो हमारा एक लक्ष्य है कि जो भारत सरकार की जो योजना है आयुष आपके द्वार, तो उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम हर्बल खेती को कैसे उजागर कर सकें, कैसे उसको प्रोत्साहित कर सकें और कैसे किसान इससे अपनी खेती को जो है वो अपनी आय को इससे दुगना कर सकें, वो हमारा मेन लक्ष्य है और उसी को लेकर आज हम यहाँ जुटे हैं और भविष्य में भी जो है वो इस प्रकार के आयोजन हम विभाग के सौजन्य से करते रहेंगे। R9 भारत के लिए स्पेशल रिपोर्ट बिलासपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में समेकित बाल विकास परियोजना कुल्लू द्वारा जिले के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मातृ शक्ति राष्ट्र शक्ति थीम के तहत घोषणा माह तथा मातृ वंदना सत्र 1 सितंबर से 7 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने देव सदन कुल्लू से घोषणा माह मातृ वंदना सप्ताह का शुभारंभ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहिकाओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली देव सदन से शुरू होकर भिन्न भिन्न प्रकार के नारों लगाते हुए जागरूक करते हुए पूरे दालपुर क्षेत्र की परिक्रमा करने के बाद देव सदन परिसर में संपन्न हुआ। इस प्रकार के कार्यक्रम का जिला में खंड स्तर पर आयोजन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि मातृ वंदना सप्ताह एवं पोषण माह का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है, ताकि वे जागरूक होकर स्वयं एवं अपने परिवार को स्वस्थ तथा निरोग रख सके। उन्होंने कहा कि पोषक तत्वों के अभाव से कुपोषण का खतरा बना रहता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने भोजन में हर प्रकार के पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। अपने आहार विहार को सही रखकर हम स्वयं को निरोग रख सकते हैं। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी राजकुमार, जिला कार्यक्रम समन्वयक नीरज शर्मा आदि सभी उपस्थित रहे। R9 भारत के लिए जीत कपूर की रिपोर्ट कुल्लू।